अब खबर उत्तर प्रदेश से। यूपी के 17 मंत्री और विधायकों के विदेश दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में मंत्रियों और विधायकों की टीम शुक्रवार को विदेश दौरे पर रवाना हो चुकी है। मंत्री और विधायक 17 दिनों तक 3 देशों की सैर करेंगे, जिसकी शुरुआत जापान से होगी। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी जाएंगे। इस दौरे को स्टडी टूर का नाम दिया गया है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि मंत्री और विधायक विदेश में क्या स्टडी करने वाले हैं और उस पर कितना खर्च होने वाला है। इस टूर का क्या कुछ खास रहने वाला कि काफी सारे लोग जो है आपके साथ के जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ? नहीं, आप लोग तो बिना हम लोगों का वर्जन लिए ही निकाल देते हैं। आपने देश को बताया कि अधिकारियों की जो टीम जाती है स्टडी टूर पे, उस दौरान वो वेतन भी लेते हैं, है ना? हम लोग तो अपना पैसा 4 लाख रुपए हर विधायक दे करके जा रहा है। हम लोग बाहर जाएं या न जाएं, सीपीए को, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन को हर वर्ष उत्तर प्रदेश चंदा देता है। जो बाहर से डेलीगेशन आते हैं उनको हम लोग ग्रीट करते हैं, तो देयर इज नथिंग इलीगल अबाउट इट। और ऐसा नहीं कि कोई जिस तरह से दिखाया जा रहा है, तो दूसरे देश जा रहे हैं वहां की संसदीय परंपरा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए, वहां के लोगों से मलने के लिए, इंडियन कम्युनिटी से मिलने के लिए, तो कुछ सीख के ही लौटेंगे। तो चलिए, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है, उम्मीदों का प्रदेश है उत्तर प्रदेश।